नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में, क्रिप्टो न्यूज़ में। सबसे पहले आज यूएस की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ है। सिलिकॉन वैली नाम की उनकी एक बड़ी बैंक है, वो अभी डिफॉल्ट होने के कगार पे आ चुकी है। वो अपने लॉसेस को कवर करने के लिए अपना जो स्टेक है वो बेचने जा रही है, शेयर्स को बेचने जा रही है। तो उसका जो शेयर्स है वो 60% डाउन हुआ है एक ही दिन के अंदर। तो ऐसे में इसका असर यूएस की बाकी बैंकों पे भी हो रहा है, वहाँ पर भी दबाव है। यूएस के स्टॉक मार्केट पे अभी काफ़ी सारा दबाव चल रहा है, काफ़ी डाउन चल रहा है मार्केट। ऐसे में दुनिया भर के स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक पैनिक फैला हुआ है, और जिसके कारण स्टॉक मार्केट तो डाउन है ही है, ऐसे में क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी दबाव है। तो बिटकॉइन, हमें काफ़ी दिनों से आप बोल रहे थे कि बिटकॉइन 20,000 के नीचे जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो आज फाइनली बिटकॉइन जो है वो $20,000 के नीचे क्रैश कर गया है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी। इसका इम्पैक्ट हमें आगे भी देखा जा सकता है कि बिटकॉइन के अंदर आगे भी दबाव हो सकता है, और 15,000-16,000 के लेवल भी हम इसमें देख सकते हैं। और दूसरी बात, मैं अभी आगे डिस्कस हम करेंगे, पहले एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। एक चाइनीज़ ऐप है वी चैट पे, जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वैसे ये वी चैट के अंदर वी चैट पे नाम का इनका ऑप्शन है, वो भी डिजिटल युआन एक्सेप्ट कर रहे। और डिजिटल युआन जो है वो उनकी गवर्नमेंट का CBDC का प्रोग्राम के तहत उनकी डिजिटल करेंसी है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव अभी देखे जा सकते हैं, जैसे हमारा इंडिया के अंदर अभी डिजिटल रुपीज़ लॉन्च हुआ है और वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैसे चाइना में भी अभी डिजिटल युआन जो है वो एप्लीकेशंस के अंदर एज अ पेमेंट वहाँ पर यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो अगर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में भी अगर ट्रांसफ़र किया, एक फॉर्म से अगर दूसरे फॉर्म के अंदर उसको रूपांतरित किया, या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, ये सारी चीज़ें अभी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आएगी। तो ये अभी क्रिप्टो के अंदर जो भी काम होगा वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाया जाएगा। ये यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है और ये ट्वीट किया गया है निश्चल शेट्टी, जो कि वजीरएक्स के फाउंडर हैं, और उन्होंने इसको अच्छा बताया है। एक्चुअली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बंदा क्या सोच रहा है। इतना क्लियर कट इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम जो होगा वो सबका सब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। यहाँ पर ये बंदा पॉजिटिव ले रहा है इसको, कि इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेशन आएगा, सब KYC करेंगे। अरे भाई, यहाँ पर इसको पूरा पूरा बैन करने की तैयारी हो रही है, तो खुश हो रहा है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है, तो ये बंदा इसको पॉजिटिव ले रहा है। चलो कुछ भी हो, लेकिन न्यूज़ ये है कि अभी भारत के अंदर क्रिप्टोकरेंसी के अंदर जो भी काम होगा वो सबका सब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही देखा जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साउथ कोरिया ने 2022-23 के अंदर $51 मिलियन जो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो ये साउथ कोरिया की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके अंदर मेटावर्स के अंदर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आगे जाके मेटावर्स की इंडस्ट्री है वो साउथ कोरिया के अंदर भी फूलेगी फलेगी। कॉइनबेस की तरफ से वॉलेट एज अ सर्विस लॉन्च किया गया है फॉर बिजनेस, और ये एक Web3 वॉलेट होगा, और जिसके थ्रू आप Web3 की प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सेस कर पाओगे। डिस्पेजर नाम की लेटिन अमेरिकन ट्रैवल एजेंसी है, वो अभी क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है। तो ये थे क्रिप्टो जगत की कुछ न्यूज़। अभी चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि बिटकॉइन के अंदर और भी ज़्यादा गिरावट जो है गहरा सकती है, तो सेम वैसे ही प्ले आउट हुआ। बिटकॉइन 23,500 के लेवल से सीधा सीधा यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में 19,810 का लो बना के अभी 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन बिटकॉइन के अंदर और बाकी ऑल्स के अंदर, और इवन सभी के सभी क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में भी है, क्योंकि जो यूएस के बैंक अभी जो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे, तो ऐसे में यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ये जो गिरावट है आगे भी बढ़ सकती है, और हमें 16,000-17,000 का लेवल भी बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने इथेरियम के अंदर आपको बताया था, इथेरियम के अंदर मैंने बताया था, कम से कम 4-5 वीडियो के अंदर मैंने ये बोला था कि जिन लोगों ने पिछले एक साल से इथेरियम को स्टेक किया हुआ था
वो भी रिलीज होने वाले हैं, जो भी अनस्टेक होने वाले हैं मार्च के अंदर, लेकिन उन्होंने वो जो डेडलाइन है वो बढ़ा करके उन्होंने अभी अप्रैल के अंदर उसको रिलीज़ करने का प्लान किया है, जो इथेरियम के डेवलपर है उन लोगों ने। तो मैंने बताया था कि मार्च अप्रैल के अंदर इथेरियम की प्राइस वापस से बॉटम को छुएगी, कि नेक्स्ट मंथ इथेरियम जिन लोगों ने स्टेक किए थे एक साल के लिए जो लॉकिंग पीरियड में थे, वो लॉकिंग पीरियड अभी खुल रहा है, तो वो भी इथेरियम मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, सर्कुलेट सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ऐसे में यहाँ पर और भी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होगी। तो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के अंदर हमें गिरावट और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में बाकी ऑल्ट्स का क्या होगा हाल, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि आप शॉर्ट साइड में रहेंगे तो बिल्कुल सेफ रहोगे, अगर आपने यहाँ से बाइंग स्टार्ट किया तो आप यहाँ पर फंस सकते हो। तो इसमें आपने जो बाइंग करनी है या तो स्टेप वाइज बाइंग करें, टुकड़ों में बाइंग करें, या तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ से पैनिक और भी बढ़ने वाला है। तो इस सिचुएशन के अंदर अभी आप अगर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं तो वो स्ट्रेटजी छोड़ के आपके यहाँ पर बिटकॉइन एवरेज की स्ट्रेटजी आपने यहाँ पर अपनानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी डॉलर की पेयर के अंदर आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपने बिटकॉइन कॉस्ट एवरेजिंग की नीति अपनाई तो यहाँ पर आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक है दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।